भारत में कोरोना का अब एक और नया वेरिएंट सामने आया है। इस नए वेरिएंट के फिलहाल 5 केस मिले हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। वहीं चीन में हालात फिलहाल अब तक संभल नहीं पा रहे। कोरोना के BF.7 वेरिएंट को लेकर हाल ही में भारत में अलर्ट जारी किया गया है और इसे लेकर हर तरफ सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन अब विशेषज्ञों ने ओमिक्रॉन के एक नए वेरिएंट के भारत में होने की पुष्टि की है। ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट भारत में आ चुका है, जिसका नाम XBB.1.5 है। इसके देश में 5 केस दर्ज किए जा चुके हैं। ये 5 केस गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में मिले हैं। भारत में XBB वेरिएंट के 6 महीने से कम समय में 40% से ज्यादा मामले आ चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वेरिएंट से भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि सरकार इस बार कोरोना को लेकर कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है, इसलिए देश भर में ऑक्सीजन समेत पल्स ऑक्सीमीटर तक की गिनती कर रही है। साथ ही सरकार ने मार्च 2023 तक पल्स ऑक्सीमीटर के दाम न बढ़ाने का फैसला किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना वायरस के वेरिएंट BF.7 के 4 मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ये सभी अभी अमेरिका से आए थे। भारत में जहां कोरोना से लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं और स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, वहीं चीन में हालात संभल नहीं रहे हैं। एक तरफ कोरोना के तेजी से बढ़ते केस और दूसरी तरफ दुनिया भर से लग रहे प्रतिबंध, चीन पर 2 तरफा हमला है। चीन में कोरोना के मामले इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि अस्पतालों में इलाज के लिए बेड और शमशान में शवों के अंतिम संस्कार की जगह कम पड़ गई है। उधर एक के बाद एक देश चीन से आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी नियम लागू कर रहे हैं। जर्मनी ने चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को बेहद गंभीर बताया है, लेकिन दुनिया भर में चीन से आने वाले यात्रियों के लिए लग रहे कोरोना प्रतिबंध उसे और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। चीन का आरोप है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि मिलकर इस मुसीबत से निपटने पर काम करना चाहिए। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर चीन के कोविड मरीजों के डेटा पर शक जताया है। WHO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि चीन का कोविड-19 डेटा वहां की सही स्थिति नहीं बता रहा है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने वाले और वहां हो रही मौतों की संख्या को कम करके दिखाया जा रहा है।